नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं सीपी कनॉट प्लेस के अंदर, जो दिल्ली की शान है, और हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं केपी चौधरी, जो समाज सेवी हैं। केपी चौधरी साहब, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, जय हिंद, नवोदय। जी सर, चौधरी साहब, क्या कारण है कि बहुजन समाज के ऊपर सैकड़ों सालों से अत्याचार होता हुआ आ रहा है? मंदिर टूटते हैं तो उनके टूटते हैं, शोषण होते हैं तो बहुजन समाज के होते हैं। अभी हाल ही में रविदासी समाज का एक मंदिर तोड़ा गया है, जिसपे देश आज पूरे आंदोलन पर आया हुआ है। पंजाब भी आज की तारीख में बंद है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की जो व्यवस्था है वो इस देश के मूल निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, इस देश के जो दिन रात इस देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए लोग हैं, जिनको देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के नाम से जाना जाता है, उनके साथ जो अन्याय है वो किसी न किसी तरीके से हर रोज़ हमें भारत में दिखाई देता है जी। और ये जो मंदिर तोड़ा गया है, निश्चित रूप से इस बात को भी नहीं समझा गया कि देश और विदेश में संत गुरु रविदास जी के जो मानने वाले हैं, उनके जो उपासक हैं, उन लोगों को इससे कितनी वेदना, कितनी पीड़ा पहुंचेगी। मैं कई बार देखता हूं कि बहुत सारे धर्मस्थल रास्तों में आ रहे हैं, रास्ते बंद कर, कनॉट प्लेस जैसी जगह में मैंने देखा कि रास्तों के बीच में धार्मिक जो उनके स्थल आए हुए हैं उसके बावजूद भी उनको नहीं हटाया गया है और रास्तों को छोटा कर दिया गया है। लेकिन ये ज़मीन तो 600 सालों से हमारे जो रविदास ट्रस्ट था उसके पास में थी, और यहाँ हमारे जो रविदास, गुरु रविदास जी के समर्थक थे, उनके जो उपासक थे, 600 साल से उनकी जो है ना यहाँ पर जो है अपना उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे थे। बड़े विचित्र बात है कि 600 साल से जिस जगह पर हमारे कमेटी का कब्जा रहा हो और उस कमेटी के कब्जे के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि इसको खाली करा करके डीडीए को हैंडओवर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये कि बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस निर्णय से पूरी दुनिया के जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, संत गुरु रविदास जी के फॉलोअर्स हैं, आचार्य महर्षि वाल्मीकि जी के फॉलोअर्स हैं, ये सभी लोग इस बात से बहुत ही आहत हैं, बहुत पीड़ित हैं, और ये निश्चित रूप से एक निंदनीय कदम है। और मेरा निवेदन है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि समाज के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए जिस तरीके से अक्षरधाम मंदिर के लिए भारत की सरकार ने 1 रुपये प्रति गज के हिसाब से अक्षरधाम ट्रस्ट को ज़मीन दी, ये ज़मीन तुरंत सरकार जो है इस पर निर्णय ले और इसमें 1 रुपये के हिसाब से हमारी जो समिति है उसको ज़मीन का तुरंत जो है इसका आवंटन करे। और जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो इसका पूरा निर्माण का कार्य करेंगे, मैं इसके साथ साथ समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सब लोग इस संत गुरु रविदास जी की धरोहर है इसको पुरानी स्थिति में लाने के लिए और उससे अच्छी स्थिति में लाने के लिए हम सब लोग मिलकर के इसमें आर्थिक सहयोग देंगे और इसको एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल हम बनाएं मिलजुल करके। लेकिन इसमें मेरा निवेदन है भारत की सरकार से कि इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और अन्य धार्मिक स्थलों की जिस तरीके से रक्षा इस देश में होती रही है उसी तर्ज पर हमारे संत गुरु रविदास जी के इस धरोहर की रक्षा भी होनी चाहिए, इसकी वापसी भी होनी चाहिए और इसमें एक बहुत सुंदर जो है एक स्मारक संत गुरु रविदास जी के नाम पर इसमें स्थापित सरकार की तरफ से तुरंत किया जाना चाहिए। चौधरी साहब, अभी विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की राजनीतियाँ, मंदिर तोड़कर गठजोड़ की राजनीतियाँ पार्टियाँ करती हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, राजनीतिक लोगों की क्या सोच होती है ये तो राजनेता ही ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की पीड़ा को हम लोग देख करके जो भी हमारे पास में, जो बाबा साहब ने जो भी साधन हमको दिए हैं, हम कोशिश करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति की पीड़ा को हम दूर कर पाएँ। हालांकि ये इतना बड़ा काम है कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक सोशल रिफॉर्मर होने के नाते, एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये कोशिश ज़रूर करते हैं। और राजनेता जो उनकी सोच है या किस सोच पर राजनेता काम कर रहे हैं ये तो राजनेता ही बता सकते हैं कि इसमें दिल्ली विधानसभा के चुनाव से कोई मुद्दा जुड़ा हुआ है। हम तो बड़ी सीधी सीधी बात समझते हैं। क्या कारण है कि आज देश के अंदर बहुजन समाज की जो जनसंख्या बताई जाती है वो 85% बताई जाती है, आज जो रविदासी समाज का मंदिर टूटा है तो कई आंदोलन इसमें आ रहे हैं। 13 तारीख को भी पंजाब बंद करने का आ रहा है, 19 तारीख को दिल्ली बंद करने का आ रहा है, फिर दोबारा से 21 तारीख को संस्था बोल रही है कि दिल्ली फिर दोबारा बंद करेंगे, तो किस आधार पे करेंगे और क्यों नहीं ये सारी पार्टियां एकजुट होकर एक बार में ही जो करना है वो काम करें?
देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि हमारे समाज का बिखराव हमारी बर्बादी का मुख्य कारण बनकर के सामने आया। जितना मैंने 35 वर्षों में अपने सामाजिक कार्य के दौरान सीखा है, समझा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ हर दो व्यक्तियों से कि आपस में मिलो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे की बुराई बिल्कुल बंद कर दो। जो अभी आप कह रहे हैं कि कई बार, अब जैसा आज पंजाब बंद है, आज का पंजाब बंद वहाँ के जो हमारे रविदास, संत गुरु रविदास जी के समर्थक हैं, पूरे समाज ने, खुशी की बात यह कि वाल्मीकि समाज जो हमारा है उसने भी उसमें पूरा भरपूर साथ दिया और सभी लोग मिलकर के आज अपना विरोध पंजाब में बंद के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में 19 तारीख को भी एक दिल्ली बंद का ऐलान किया गया है हमारे सरदार बलविंदर सिंह जी के माध्यम से। तो मेरा उसमें भी निवेदन यही रहेगा कि ये बात ना सोचेंगे सरदार बलविंदर सिंह ने ये आह्वान किया, बल्कि ये समाज का आह्वान माना जाना चाहिए। और 19 तारीख को संत गुरु रविदास जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, सभी लोगों को 19 तारीख के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। इसके बाद में एक बड़ा कार्यक्रम 21 तारीख को जंतर मंतर पर रखा गया है, उस दिन भी मैं अपील करूँगा समाज के लोगों से कि आप सब लोग आएँ और 21 तारीख के कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर उसको सफल बनाएं, जिससे कि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके और अविलंब जल्दी से जल्दी जो संत गुरु रविदास जी का हमारा ये स्मारक तोड़ा गया है, सरकार तुरंत उस पर पहल करे, उस ज़मीन का हमारी गुरु रविदास समिति के नाम आवंटन करे और उसके बाद में इसका निर्माण कार्य बिना किसी ज़्यादा समय लगे, इसका मतलब कम समय में इसका निर्माण सरकार करके और समिति को हैंडओवर करे। आप थे हमारे साथ समाज सेवी केपी चौधरी साहब, जो बहुजन समाज की लड़ाइयों को बहुत अरसे से लड़ते हुए आ रहे हैं, देश विदेश विदेशों तक बहुजन समाज की मूवमेंट को, आवाज़ों को पहुंचाते हैं और उन पर बहुत सारी चीज़ें, उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुजन समाज के लिए हमेशा वो करते रहे हैं, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो बहुजनों के मुद्दे हों, उनको हमेशा उठाते भी रहे हैं और उन पर सफलता भी ली है। और जिन्होंने बताया कि जो ये रविदास जी समाज का मंदिर था, ये सिर्फ रविदास का समाज का मंदिर नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट का मंदिर है, बहुजन समाज के 85% लोगों के मंदिर है, उनका आस्था का विषय है ये वाला। और सिर्फ इस पे विजय तब हो सकती है जब हम लोग मिल कर आपस में एकजुट होकर इस लड़ाई को साथ में लड़ेंगे। हमारे चैनल से आपने बात करी, इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाज के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो SM न्यूज़ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज के हर मुद्दे की आवाज़ को सुरेंद्र सिंह जी जो उसके चीफ एडिटर हैं उनके माध्यम से हर आवाज़ को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आज SM न्यूज़ का एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि SM न्यूज़ भविष्य में इसी प्रकार समाज की आवाज़ को उठा करके समाज के हर व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके आंसू पूछने का काम करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।